हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। बेस थ्योरम के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। हर एक वो टेक्निकल टर्म एंड टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद बेस थ्योरम आज यहाँ पे इस वीडियो में आप तक मैं डिलीवर करने वाला हूँ। भैया ये बेस थ्योरम जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला दिख रहा है, ये ऐसे ही तो उठ के खड़ा नहीं हुआ है, ऐसे ही तो प्रकट नहीं हुआ है। इसके पीछे कोई बैकएंड स्टोरी होगी, कुछ तो प्रूफ होगा, कुछ तो स्टेप्स होंगे। वो सारे प्रूफ्स, वो सारी स्टेप्स, वो सारी बैकएंड स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। वो सारा प्रूफ जो बेस थ्योरम के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको यहां पे मैं बताने वाला हूं। एंड ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिना एग्जांपल के तो गाड़ी चलती नहीं है यहां पे कॉन्सेप्ट्स की, इसीलिए यहां पे मैं एग्जांपल के साथ आपको बेस थ्योरम का इंप्लीमेंटेशन भी समझाने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो भी हम इस फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे। दिस फॉर्मूला इज सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेस थ्योरम। लेकिन जानने वाली इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि भैया यहां तक पहुंचा कैसे जाए, वो ऐसा कौन सा प्रीरिक्विजिट नॉलेज है जो कि हमें बेस थ्योरम प्रूफ करने में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दोस्तों आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, तब जाके आपको बेस थ्योरम बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, आप एकदम बिगनर्स है, तो फिर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इससे ठीक पिछला वाला वीडियो मेरा देख लीजिए जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैंने विद एग्जांपल सॉल्व किया है, वो आपके दिमाग में आ जाएगा, एक आइडिया दे देगा अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसी को अभी हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट यूज करने वाले हैं टू प्रूफ बेस थ्योरम। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आ जाते हैं भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ये जो आपको दो दिख रही है यहाँ पे, दो कंडीशंस मैंने, दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज किए हैं, दो इवेंट्स यूज किए हैं, इवेंट ए एंड इवेंट बी। ठीक है, अब इस केस में तो ये क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट B has already occurred, यानी कि probability of event A we have to find given that B event has already occurred। ये जो दंडी आपको दिख रही है ना, दंडी is nothing but a symbol of given that। दंडी जो दिख रही है, dash जो दिख रही है, it is simply a symbol of given that। So probability of event B given that event A has already occurred। और इसकी probability सीधी सीधी आपको अगर पिछला formula मतलब पिछले video में अगर formula याद होगा, या normal conditional probability का formula भी अगर याद है, तो ये simple सा वही formula है कि भैया probability of A intersection B, दोनों events का intersection की probability divided by the probability of B, and in this case दोनों का intersection की probability and divided by probability of यहाँ पे in this case A होगा। ठीक है, इन दिस केस ए बराबर। अब यहां तक तो फंडा समझ में आ गया, इसमें थोड़े से मूवमेंट्स करेंगे, थोड़े से यहां पे बदलाव करेंगे, थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे ताकि हम अपने बेस थ्योरम के फॉर्मूले तक पहुंच सके। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां से हटा दिया, यहां पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ओके मुझे इसको कहीं डिस्प्लेस करना है, कहां करूंगा, तो यहां से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां पे ला देता हूं, बराबर यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां पे ला देता हूं, बराबर। अब यहां पे मैंने ये मैनिपुलेशन किया, अब इस मैनिपुलेशन के बाद मुझे ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि भैया ये जो RHS है, मतलब ये दोनों इक्वेशंस है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और टू का RHS इक्वल है, यानी कि इवेंट ए और बी की जो इंटरेक्शन इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों की सेम है, दोनों की सेम है। तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन के RHS सेम हो गए, इक्वल हो गए, और RHS इक्वल हो गए तो हम उस दो इक्वेशंस की LHS को इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और मैंने किया भी है। तो मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इन दोनों को इक्वेट कर दिया, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, इक्वलिटी लगाइए, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहां पे पहुंचने के बाद हमें यहां से यहां तक पहुंचना है, तो वो कौन सा मैनिपुलेशन है, मॉडिफिकेशन है जो करने की जरूरत है, सिर्फ एक लास्ट मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, वो सिंपल सा है कि इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को यहां से उठा के डिविजन में डाल दो, यानी कि उसको डिनोमिनेटर में रख दो ऑफ दिस साइड, सिंपल सी बात है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए given that B has already occurred is equal to probability of event B given that A has already occurred into probability of A divided by probability of B, and this is nothing but the Bayes theorem। If you see, this is nothing but a Bayes theorem। अभी Bayes theorem की तरफ बढ़ते हैं, अभी हम Bayes theorem तक पहुंच चुके हैं, उसके proof को समझ चुके हैं, steps को समझ चुके हैं, and Bayes theorem तक पहुंच चुके हैं। अभी Bayes theorem की वो technical terms को जानने की बारी आ गई है। यहाँ पे in this case आपको जहाँ पे भी A दिखेगा उसे बेस थ्योरम के टर्म्स में हम उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपोथेसिस, ओके दिस इज अ हाइपोथेसिस। और जहां भी आपको बी दिखेगा दैट इज कॉल्ड एज अ एविडेंस, या फिर आप उसको डेटा भी बोल सकते हो, बराबर एविडेंस बोल सकते हो, डेटा बोल सकते हो। और यहां पे जो ए आपको दिख रहा है इट इज नथिंग बट अ सिंपल हाइपोथेसिस, तो उसे रीड कैसे करोगे, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस गिवन दैट
वी हैव बीन गिवन अ डेटा और वी हैव ऑब्जर्व सम एविडेंस, समझ में आया? Probability, you have to find the probability of hypothesis given that we have observed hypothesis, we have observed the evidence. ठीक है, we are given some data and on the basis of that given data, we have to find the probability of the hypothesis. That is what we have to consider. इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि भैया ये compute करना है हमें. This is the compute entity of the Bayes theorem. बराबर, अब ये बात तो समझ में आ गई. अभी यहाँ पे एक्चुअल में चार probabilities हैं. एक ये probability तो आपने देखी ली, ये एक प्रोबेबिलिटी ऐसे चार प्रोबेबिलिटीज और चारों का अपने अपने नाम है. इस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं भैया पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, इसे बोलते हैं लाइक्लीहुड, इसे प्रायर और इसे मार्जिनल. ठीक है, अभी यहाँ पे समझते हैं. मैंने बोला ए जहां पे दिखेगा वो हाइपोथेसिस है, बी जहां दिखेगा उसको एविडेंस या डेटा बोल लो. ठीक है, अब ये जो एंटिटी आपको दिख रही है, जो आपको फाइनली कंप्यूट करनी होती है आपके बेस थ्योरम में, वो डायरेक्टली कंप्यूटेबल नहीं होती. आप उसे डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते बिना दूसरे प्रोबेबिलिटीज के मदद के. तो इसीलिए अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको दूसरे प्रोबेबिलिटीज की मदद लेनी पड़ेगी. एंड इन दिस केस आपको तीन प्रोबेबिलिटीज की मदद लेनी पड़ेगी. सबसे पहले लाइक्लीहुड की मदद लेनी पड़ेगी, प्रायर की मदद लेनी पड़ेगी और मार्जिनल. इन तीनों की आपको एक साथ मदद लेनी पड़ेगी और जब आप इनको कंप्यूट करोगे तीनों को, फिर जाके आपको ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर पाओगे. ठीक है, ये आपको एक दिमाग में रखना है कि पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो है उसे आप डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दूसरे प्रोबेबिलिटीज की मदद लेनी पड़ती है, उसे बेस थ्योरम में प्लेस करना पड़ता है उनकी वैल्यूज को, और फिर जाके आपको इसकी वैल्यू मिलती है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिलती है. ठीक है, अब लाइक्लीहुड की तरफ बढ़ते हैं. लाइक्लीहुड मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस, दिस इज नथिंग बट द सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस. बराबर, probability of the evidence given that hypothesis is true. मतलब अभी हमें given क्या है likelihood में, कि भैया जो hypothesis आपने consider किया है वो true है. अभी वो hypothesis true है, इस information के basis पे आपको evidence की probability निकालनी है, data की probability निकालनी है. simple सी बात है. ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे prior probability. prior probability मतलब क्या? ये A क्या है? hypothesis है. बराबर, A is nothing but hypothesis. तो simply it is a probability of hypothesis before observing और before considering the evidence. मतलब evidence आपको देने से पहले, evidence आपको देने से पहले, observe करने से पहले जो आपके hypothesis की probability थी उसे हम prior probability बोलते हैं. So prior probability is the probability of hypothesis before observing the evidence. यहाँ पे आपको कोई evidence दिख रहा है? Any B you are going to see here? नहीं, यहाँ पे directly आपको probability of A दिख रहा है, यानी probability of hypothesis. लेकिन यहाँ पे आपको evidence दिख रहा है, ये आपका evidence है. Probability of hypothesis given that evidence is observed. यहाँ पे evidence observe नहीं हुआ, evidence observe हो उससे पहले वाला जो probability था hypothesis का, उसे prior probability कहते हैं. और ये आपका simply pure मार्जिनल, मतलब प्योर एविडेंस का आपकी प्रोबेबिलिटी, डेटा की जो गिवन है, जो गिवन एविडेंस है, जो गिवन डेटा है, उसकी प्योर प्रोबेबिलिटी है मार्जिनल. ठीक है, सो ये हो गया भैया सारे टेक्निकल टर्म्स, ओके, एंड टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद बेस थ्योरम. अभी हम इसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल है. अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कितने होते हैं भैया पत्ते खेलते हैं तो वहाँ पे 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे डेक में. ओके, उसमें हमें बेस थ्योरम अप्लाई करना है, और बेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें फाइंड क्या करना है. ये मेरी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, दिस इज माय पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, दिस इज माय लाइक्लीहुड, ये मेरा प्रायर प्रोबेबिलिटी, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट माय मार्जिनल. तो अभी कह क्या रहा है क्वेश्चन वो आपको बता देता हूं. प्रोबेबिलिटी दैट माय कार्ड इज अ किंग गिवन दैट इट वॉज अ फेस कार्ड. बराबर है कि नहीं? Given that it was a face card, मतलब हमें बताया है कि भैया जो कार्ड आपने लिया है वो फेस कार्ड है, लेकिन अभी आपको फाइंड करना है कि जो वो फेस कार्ड है क्या वो किंग कार्ड है या नहीं. अभी आप डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते बिकॉज आपके डेक में फेस कार्ड बहुत होते हैं, मतलब किंग का होता है, क्वीन का होता है, जैक का होता है, तो बहुत टाइप के फेस कार्ड होते हैं. इसीलिए आप कंफर्मली कुछ नहीं कह सकते कि हाँ ये किंग है, इसलिए आपको ये डायरेक्टली आप कंप्यूट नहीं कर सकते. इसके लिए आपको बाकी प्रोबेबिलिटीज की जरूरत पड़ने वाली. तो वो बाकी प्रोबेबिलिटीज कौन सी है? प्रोबेबिलिटी दैट कि आपने जो कार्ड उठाया है, गिवन दैट इट इज अ किंग, बट यू हैव टू फाइंड दैट कि वो जो कार्ड है, वो जो किंग है, वो फेस कार्ड भी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है. कोई भी किंग
का कार्ड आप डेक में से निकाल लो, कोई भी किंग का कार्ड आप डेक में से निकाल लो, ऑब्वियस सी बात है वो फेस कार्ड होगा या नहीं, वो फेस कार्ड होगा या नहीं, तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी डायरेक्टली वन। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग टोटल आपके 52 कार्ड्स में से किंग के कार्ड कितने होते हैं, चार होते हैं, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 4/52, ये मेरी प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ द किंग बराबर। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कि कितने फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, क्वीन के चार, किंग के चार, जैक के चार, तो टोटल कितने हो गए 12, सो 12/52 करेक्ट। तो अभी इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया तो यहाँ पे आया और फिर फाइनली 1/3, तो अभी ये 1/3 क्या सिंबलाइज करता है, 1/3 इज सिंबलाइजिंग दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इट इज रिफ्लेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट कि भैया वो कह रहा है कि अगर आपने कार्ड एक कोई निकाला डेक में से और वो फेस कार्ड है, गिवन दैट कार्ड इज अ फेस कार्ड, यू हैव टू फाइंड दैट दैट कार्ड इज अ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो फेस कार्ड निकला है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो किंग कार्ड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 जो कि मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाई है। सिंपल सा इसी फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, बड़ा ही इजी था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों ऑब्वियसली इस वीडियो को लाइक कीजिए और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर जरूर शेयर कीजिए, एग्जाम नजदीक आ रही है, मेरे वीडियोज को अपने दोस्त तक पहुंचाइए। थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।